रात में ऐसा लगा जैसे बम फट गया हो, और उठ के देखा तो ये हालत थी। ये पूरा यहाँ से निकल गया और नीचे गिर गया था एकदम, इतनी जोर से भम से एकदम आवाज़ आई, और नींद एकदम झटके से खुल गई थी 3:30 बजे के आसपास। हेलो सस्काल आदाब नमस्ते एंड वेलकम टू अर न्यू व्लॉग। टुडे इज 19th अप्रैल 2021, और आज का दिन शुरू हो चुका है और मैं अपने वर्क प्लेस में आ चुका हूँ। सी आई एम इन माई वर्क प्लेस। सो स्टार्ट करते हैं आज के दिन को बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ, और आज का अपलोड लगाते हैं वीडियो को जो कि 9:30 बजे तक अपलोड करना है, कंपल्सरी है, जो कि मैंने सोचा हुआ है। सो अपलोड पे लगाते हैं अभी आपका कल का ब्लॉग। तो आज ब्लॉग अपलोड करने चला दिया हूँ, जियो की स्पीड 3rd क्लास, 1 घंटे से मात्र 40% अपलोड हुआ है, तो थोड़ा सा देर होगा। लास्ट वीडियो में कुछ तो दिक्कत हुआ है, तो इसको मैंने फिर से कैंसिल अपलोड करके दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। ये दोबारा अपलोड हो रहा है, 1/2 घंटे में अपलोड हो जाएगा। पता नहीं क्या दिक्कत हुआ था, 46% में जाके वो अटक गया था और उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा था 1-1.5 घंटा से। तो उसको फाइनली मैंने कैंसिल किया और दोबारा से अपलोडिंग पे लगाया हुआ है। देखते हैं अब ये कितने टाइम में अपलोड होता है। अभी हो चुका है नहाना धोना, डन एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक लंच। और अभी हमारा लंच जो है वो नीचे ही हो रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, अभी हम ऊपर वाले फ्लोर पे पूरी तरह से हमारा किचन शिफ्ट नहीं हुआ है। सो अभी जो हमारा लंच हो रहा है वो नीचे ही हो रहा है, कुछ दिनों बाद हमारा जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पूरी तरह से जब शिफ्ट हो जाएगा तो लंच वगैरह किचन वगैरह सब ही पे यूज़ होगा। तो अभी चलते हैं लंच करने और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। और यहाँ पर ब्लॉग करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से नेचुरल लाइट बिल्कुल फेस से पड़ती है, तो ग्लो ग्लो सा फेस नज़र आता है, तो इसलिए मैं यहाँ के ब्लॉग करने में थोड़ा सा प्रिफर कर रहा हूँ। सो अब जाके करते हैं लंच, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। लंच के बाद आज मस्त नींद आई, 2.5 घंटा सोया। और हाँ, लंच के बारे में कुछ बताना था कि बचपन से ही हम लोग टीवी के सामने बैठ के खाने में बड़ा मज़ा आता था। डाइनिंग टेबल होने के बावजूद भी जब भी डाइनिंग टेबल में मम्मी देती थी खाना, तो अपना प्लेट उठा के टीवी के सामने बैठने की आदत अभी तक नहीं गई है। तो अभी भी डाइनिंग टेबल तो है बट डाइनिंग टेबल में नहीं खाते हैं, मस्त ज़मीन में बैठ के आराम से टीवी के सामने बैठ के खाने में जो मज़ा है भाई, वो मज़ा तो डाइनिंग टेबल में बैठ कभी नहीं आया। तो अभी भी वही नियम चला आ रहा है कि टीवी के सामने बैठकर ही खाना है। मम्मी बोलती रहती है कि नहीं, टीवी के सामने बैठ के खाने में डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, बट यार क्या करें, अपना तो डाइजेस्ट टीवी के सामने ही आता होता है, तो ऐसे ही नीचे बैठ के ही हम लोग खाते हैं अभी भी। तो ऐसे ही मेरे को लगता तो अपना फ्यूचर भी ऐसे ही कटने वाला है, बट हाँ थोड़ा सा देखते हैं इन फ्यूचर में, ऊपर टीवी भी डाइनिंग टेबल के साथ ही है, तो हो सकता है डाइनिंग टेबल में ही ऊपर फ्यूचर में खाएं। कुछ दिन पहले हमने एक चीज़ ऑर्डर की थी अमेजोन से, तो वो चीज़ अभी तक हमने अनबॉक्स नहीं की हुई है, वो अभी तक पैक ही पड़ी है। तो चलो उसको उसके पैकेट से आज़ाद करते हैं, बहुत दिन हो गए वो पैक ही है, तो उसको भी आज़ाद करते हैं। चलो दिखाते हैं क्या चीज़ है, वो अनबॉक्स करते हैं उसको।
और ये है, एक दिन भर फ्री फायर और दुनियादारी गेम ही बस खेलते रहता है, और कोई काम धाम नहीं है इसको, बस गेम और गेम दिन भर लगे रहता है। क्या रैंक है तेरा फ्री फायर दुनियादारी में? पहला रैंक हीरोइक का, अभी प्लैटिनम में आ गया क्योंकि सीजन रीकैप को। ये फिर से बंगालीज का फेमस रेसिपी, मुड़ी चना चूर, और मेरा है ये ओट्स, मुड़ी चना चूर ओट्स। कौन सा बेटर है? अच्छा, इसको अभी और स्पेशल बनाया जा रहा है, सिंपल मुड़ी चना चूर नहीं, मुड़ी चना चूर टमाटर मिर्च एकदम स्पेशल करके खाया जा रहा है। हमारा तो बिल्कुल सिंपल कुछ नहीं, बस वाइट वाइट, और इसमें बहुत सारे कलर मिक्स हैं, वाइट रेड ग्रीन, लॉट्स ऑफ कलर्स। अच्छा, मेरे लिए बस ये सिंपल सा ओट्स, बट कुछ नहीं, चला लेंगे इसी से, सिंपल चीज़ से ही चला लेंगे अपना। तो अभी हमने इस चीज़ को जो सुबह हादसा हुआ था उसको अभी समेट कर किनारे कर दिया है, लॉकडाउन के बाद मोटे वाले स्क्रूज ला के इसको टाइट करेंगे। सो आज बहुत छोटा व्लॉग बना है नो, बट क्या करें, लॉकडाउन में आज पर कुछ कंटेंट ही नहीं, इसी तरह के कंटेंट बस चल रहे हैं, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। सो इसी तरह के कंटेंट के साथ चल रहा है दिन, एक के बाद एक निकल रहा है, और एक के बाद एक दिन तो निकल रहे हैं, बट लॉकडाउन भी एक के बाद एक बढ़ रहा है। अब पता नहीं ये 26 के बाद फिर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब कुछ करने के लिए है ही नहीं, सो और क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितना बना है उतना ही। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, और अपने परिवार के ऊपर। सो कल मिलते हैं, टाटा।